हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई मीता बिश्नोई। आज मैं आपको रबर प्लांट की वैरायटीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक है। एंड में वीडियो के एंड तक रहिएगा, मैं इसकी प्रोपोगेशन भी दिखाऊंगी। इसकी दिखाऊंगी बाय कटिंग और बाय लीफ। ये एक वैरायटी है, ये 300 रुपीज़ में मिल जाती है। इसकी लीफ ऐसी है। सेकंड में दिखाती हूँ, सेकंड दिखाती हूँ ये वाली। ये लेमन और लाइट ग्रीन, ये भी 300 रुपीज़ पर पॉट। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए। ये सेकंड वैरायटी है, सब रबर प्लांट है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल थर्ड वैरायटी। ये देखिए कितनी ब्राइट है, ये देखिए कितना वाइब्रेंट कलर है। ये भी 300 रुपीज़ का है। ये एकदम नियॉन कलर है, येलो, ये वाला एजिंग में, और अंदर ग्रीन, कितना बढ़िया ग्रीन कलर है। ये थर्ड वैरायटी हो गई। और फोर्थ वैरायटी तो फ्रेंड्स आप देखोगे, इतना ब्यूटीफुल कलर है, पिंक वैरायटी। ये देखिए, ये पिंक वैरायटी है। ये रही, ये देखिए, ये भी पिंक है, ये भी 300 रुपीज़ का है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, ये है रबर प्लांट। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल। ये पिंक कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये मैं अपनी फ्रेंड के घर से एक रबर प्लांट की कटिंग लेके आई। मेरे पास एक रबर प्लांट था, वो प्लांट अपरूट हो गया था, तो अब मैं दोबारा एक और स्टेम कटिंग से मैं इसका प्रोपोगेशन, तीन तरह से वैसे होता है, आज मैं आपको दो तरह से दिखाऊंगी। एक ये है, स्टेम काटी है मैंने यहाँ से, नोड से, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसकी जितनी भी लीव्स हैं इसकी एक्स्ट्रा लीव्स काट दूँगी। जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं सब काट दूँगी। ये देखिए, हैवी हैवी लीव्स जितनी भी हैं सब मैंने काट दी। ये देखिए, अब ये स्टेम को मैं इस पॉट में, ये पॉटिंग सॉइल ली है, बहुत वेल ड्रेन सॉइल ली है, इसमें मैंने कोकोपीट डाला है, सैंड डाली है और थोड़ी सी घर की कंपोस्ट डाली है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाला, क्योंकि इसकी खाली रूटिंग करनी है हमको, इस रबर प्लांट के स्टेम की। तो इसको मैंने पहले डिप किया वाटर में, सिंपल वाटर है। अब मैं इसमें रूटिंग हार्मोन लगाऊंगी। ये एक रूटिंग हार्मोन मैं लेके आई हूँ, ये रूटिंग हार्मोन में लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा होल्ड करके इसको लगा दूंगी। बस इसका सैप निकलता है, देखिए ये जो सैप निकल रहा है ना, ये जो सैप निकल रहा है ये रूटिंग में हेल्प करता है। अब ये एक रूटिंग के लिए मैंने रख लिया है और इसको अच्छे से वाटर कर दूंगी। दिखाती हूँ, इस ट्रे में रख के जब मैं वाटर करूंगी तो नीचे से वाटर निकल आएगा। अब मैं नेक्स्ट लूंगी एक लीफ। लीफ में भी देखिए सैप आया हुआ है। थोड़ा डार्क एरिया में दिखाती हूँ ताकि आपको ये दिख सके। दो लीफ लगा देती हूँ ऐसे करके, एक यहां लगा देती हूँ, एक ऐसे लगा देती हूँ। और ये जो लीफ की है इसमें बहुत टाइम लगता है। एक ऐसे लगा, ये देखिए इसका पानी निकला है नीचे से। बस इसको मैंने लीफ को कर दिया और इसमें भी थोड़ा वाटर कर दूंगी साइड से। अब थर्ड तरीका होता है एयर लेयरिंग का।
वो भी अलग वीडियो में बनाऊंगी। तो इसका मैंने रबर प्लांट का दो प्रोपोगेशन दिखाए, एक इसका स्टेम कटिंग का, एक लीफ का। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जब इसकी रूटिंग हो जाएगी, नए शूट्स आने लगेंगे, तब मैं इसको टाइम लैप्स के साथ ये वीडियो दिखाऊंगी। ये रबर प्लांट के लीव्स हैं, इनको भी मैंने काट के लगाया हुआ है ऐसे करके, सिंपल ऐसे पॉटिंग सॉयल में, जो कि बहुत लाइट है, इसमें डाला हुआ है। इसका प्रोपोगेशन बहुत टाइम लगाता है, 3 महीने तो लग ही जाते हैं। यहाँ से छोटा सा बेबी प्लांट निकल आता है, मगर बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको ये प्रोपोगेशन का और वैराइटीज़ ऑफ सारे रबर प्लांट्स आपको अच्छा लगा वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।